प्रॉब्लम नंबर 18, ठीक है। प्रॉब्लम नंबर 18 में आपको क्या दिया हुआ है, द आरएमएस वैल्यू ऑफ एन एसी ऑफ 50 हर्ट्ज, यानी फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है 50 हर्ट्ज, ठीक है, इज 10 एम्पियर। ये आई आर एम एस हो रखा है, 10 एम्पियर है, फ्रीक्वेंसी 50 है। द टाइम टेकन बाय द अल्टरनेटिंग करंट इन रीचिंग फ्रॉम जीरो टू मैक्सिमम वैल्यू, यानी आई मैक्सिमम तक पहुंचने का आपको टाइम बताना है कि कितने टाइम में ये मैक्सिमम तक पहुंच जाएगी। एंड द पीक वैल्यू ऑफ करंट विल बी, और पीक वैल्यू भी हमें बतानी है, यानी आई नोड भी बतानी है और टाइम भी बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमारे पास यहां पर जो फॉर्मूला करंट का आएगा, आई इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी बनेगा, ठीक है, और आपको टाइमिंग बताना है मैक्सिमम यानी आई नोट का, तो क्या आ जाएगा ये आई नोट बाय I नॉट के बराबर ही हमें करना है। तो ये I नॉट इज इक्वल टू I नॉट साइन 2πf, f 50 हो जाएगा इंटू t, ठीक है। I नॉट कैंसिल यानी 1 आ गया, और 1 किस एंगल पर होता है, 1 आपके पास होता है साइन के अंदर, 1 वैल्यू जो होती है वो पाई बाई 2 पर होती है, तो ये क्या आ जाएगा पाई बाई 2 इज इक्वल टू 2 पाई इंटू 50 टी, पाई पाई कैंसिल, तो ये टी इज इक्वल टू क्या आएगा 1/200, ये 200 हो जाएगा, यानी टी बाय 1/200 सेकेंड। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.5 इंटू 10^-2 सेकेंड, ठीक है, यानी कि 5 × 10^-3 सेकेंड ले लेंगे। तो टाइमिंग हमारे पास ये आ गया, इसमें दो ऑप्शन मैच कर रहे हैं हमारे पास। अब बात कर रहे हैं पीक वैल्यू भी हमें फाइंड कर लिया है। पीक वैल्यू क्या होती है, आई नॉट इज इक्वल टू √2 IRMS, IRMS का √2 टाइम, IRMS आपको गिवन है, तो क्या आएगा tan√2, √2 की वैल्यू 1.414, यानी कि आ जाएगा 14.14 एम्पियर, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारे पास मैच कर रहा है, क्लियर है।